दया वगर ने दासनी गोट। एक दिस पितर ने इशुला सुदा, हे मालिक, माला माना भावुस जदो माने इरुद पाप करो तो तेला कोड़े कोखत माफ करू ल पड़ो। काय सात वखत सुधी? यीशु ने संगा, सात वखत नहीं पन सात गुने 70 वखत। येने मार्फते यीशु ना मतलब आहा का कायम माफ करू ला पड़ो। तहा यीशु ने ये गोठ लावी। यीशु ने संगा, देवना राज एक राजा ने जिसा आहा जो तेने पासुन हिसाब लेवला माग होता। तेना एक दास 2,00,000 वरिष ने मजूर ने जिसा एक मोटा कर्जा ना कर्जदार होता। पन तो दास तेने कर्जाला चुकवी नहीं सकी। ते साथी राजा ने संगा, येना कर्जा चुकूला साथी ये गोहला अन तेने कुटुंबला गुलाम ने रूप में इकी दे। ते दास ने राजा ने पूड़ो तेने गुड़गे सावर पड़ी नी संगा, कृपा करी माने साथी धीर धर अन मा माने कर्जा नी पूरी रकम नी भरपाई करी दी। राजा ने दासवर दया करी, ते साथी तेने तेने अखे कर्जाला माफ करी दीना अन तेला जाव दीना। पन जदो तो दास राजा ने पासून बाहर गए तो तेला तेना हारी ना एक दास मिलना जो तेने 4 महीना ने मजूरी ना कर्जदार होता। ते दास ने तेने हारी ने दासला धरी लीधा अन सांगना, जी तूने वर माना कर्जा हा माला ती भरी दे। ते हारी ने दासनी गुड़गे टेकवी नी सांगा, मेहरबानी करीनी माने साठी धीर धर अन मा माने कर्जा ने पूरी रकम ला भरी दी। पन तेने जाग ते दासनी तेने हारी ने दासला जाव पावत तो तेना कर्जाला भरी नहीं दिल ताव पावत तेला जेल मा टाकी दीना। जे काही हुई नेल ती थोड़ाक दूसरे दासी हेरा अन ते खूब दुखी हुईना। ते राजा पासी गे अन तेला अखा सांगी दाखवा। राजा ने ते दासला बोलवी नी सांगा, हे दुष्ट दास, मा तूने कर्जाला ये साठी माफ करनेल कहा का तू माला विनंती करनेल, तुला भी तिशाई करूला पड़ो। राजा होड़ा रघुवर हता का तेनी ते दुष्ट दासला जाओ पावत का तो तेना अखा कर्जाला फेरी ने भरी नहीं दिल ताव पावत तेला जेलमा टाकी दीना। तहा यीशु ने संगा, स्वर्ग मा बिस्नार माना बहास तुमने मासून दरेक ने हारी इसाज करी जो तुम्हें तुमने भावुसला तुमने हृदय पासून माफ नहीं करा।